दोस्तों नमस्कार, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ लाक्षाग्रह आया हूँ बरनावा बाग पर। और दोस्तों यहाँ पे जो है पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया था। दोस्तों 5000 साल पुराना पांडवों का लाक्षाग्रह, जहाँ की पांडवों को जलाने का असफल प्रयास किया गया था, और आपको दिखाता हूँ पूरी वीडियो। दोस्तों ये जो है ना बड़ौत और मेरठ मार्ग पे परनावा गांव पड़ता है, और जस्ट मेरठ से आते वक्त लेफ्ट साइड में और बड़ौत से आते वक्त राइट साइड में गेट बना हुआ है। दोस्तों वहां से सड़क जा रही है सीधा लाक्षाग्रह। दोस्तों कुछ जो है यहां पे चीज़ें हैं जो ये महाभारत कालीन है, और कुछ सरकार ने ना दोबारा निर्माण कराया जिससे कि बची रहे यहाँ पर, और कुछ तो महाभारत कालीन ही है। और जो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पे, जो सामने आप देख रहे हो ये ऊपर की जो गुमिनार है, गुम्बद जो है, ये महाभारत कालीन ही है। और दोस्तों यहाँ पे ईंटें भी पुराने वाली हैं, और सामने जो ये अवशेष पत्थर वगैरह पड़े हैं तभी के हैं। दोस्तों महाभारत में पांडवों को जान से मारने के लिए कौरवों ने जो लाक्षाग्रह बनवाया था उसकी तलाश पूरी हो गई है, जो कि बागपत के बरनावा में लाक्षाग्रह होने के पूरे पूरे सबूत है। दोस्तों यहाँ पे दो सुरंग भी है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। और ये महल का चबूतरा है देखो दोस्तों, और सामने जो है बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ये द्रौपदी का कमरा है। आगे चलते हैं दोस्तों। पांडव थे उनको जलाने के लिए, पांडव जो थे उनको जलाने के लिए आज भी यहाँ पे उनके अवशेष बचे हुए हैं, जो उन्होंने महल बनाए हुए थे और जो उन्होंने यहाँ निर्माण करा था, वो सभी चीज़ बची हुई हैं। दोस्तों एक ऐसी वीडियो में आपका स्वागत है जो कि आपने कभी नहीं देखी होगी। दोस्तों जहाँ मैं खड़ा हूँ अभी, वो उन्हीं की बनाई हुई चीज़ें हैं, जो ईंटें हैं, जो उनके पत्थर से बनाए हुए महल हैं, वो अभी भी यहाँ उसके अवशेष बचे हुए हैं। और एक आगे जाके गुफा है दोस्तों, जो मैं उस गुफा में भी लेके जाऊँगा आपको, जो जब यहाँ आग लगाई गई थी तो आग से बचने के लिए जो गुफा से निकल के पांडव दूर गए थे यहाँ से, जिससे कि उनकी जान बची थी, वो गुफा भी दिखाऊंगा कितनी चालू है, कितनी बची हुई है। दोस्तों सभी जानकारी दूंगा मैं आपको, और मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हो ये जो है, ये देखो आप, पत्थर से बिना सीमेंट वगैरह कुछ नहीं लगा हुआ, इसमें केवल पत्थर से बनाई हुई चीज़ें हैं यहाँ पे। ये देख सकते हो आप, ये महाभारत कालीन बना हुआ है दोस्तों, लाखा मंडल बरनावा। और दोस्तों ये जो है ना मेरठ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पे होगा, और ये बागपत ज़िले में पड़ता है, जो कि गांव है यहाँ बरनावा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बरनावा गांव में, ज़िला बागपत में है। और दोस्तों कौन यहाँ पे आया है ज़रा हमें भी बताना कमेंट करके, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे स्कूल भी है जो बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, ये सामने जो बच्चे खड़े हैं, नमस्ते, ये संस्कृत महाविद्यालय है यहाँ पे, जो यहाँ पे गुरुकुल के नाम से जाना जाता है। क्या नाम है बच्चों आपके स्कूल का? श्री संस्कृत महानंद संस्कृत लक्ष्य बरनावा बागपत। तो आपको यहाँ संस्कृत की पढ़ाई कराई जाती है? हाँ जी। और भी कोई सब्जेक्ट है या केवल संस्कृत ही? संस्कृत ज्यादा है। संस्कृत ज्यादा है। तो आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से। तुम कहाँ से है बेटा? मैं पथौली से। पथौली? हाँ जी। ठीक है, पथौली से। तुम कहाँ से बेटा? बड़े सरूरपुर। बड़े सरूरपुर से, जहाँ की गुफा वाले बाबा है। ठीक, हाँ हाँ, नीरोजपुर।
चलो ठीक है। तो यहाँ के बारे में भी बताया जाता है आपसे कुछ? अच्छा 3 तारीख को नहीं दोस्तों, बागपत के बरनाव में लाख सगरा होने के सबूत जो है 2 सुरंगों से मिलते हैं। यहाँ के खंडर इलाके में ये 2 सुरंग आमने सामने बनी है। किसी ने इन सुरंगों को पूरा पार तो नहीं किया, लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं ये सुरंग लाख सगरा से निकलकर हिंडन नदी के तट तक पहुँचती है। और दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि हस्तिनापुर तक जा रही है या फिर वगैरह वगैरह कुछ भी कहते हैं, लेकिन दोस्तों मैं भी जाके देखूंगा, उसमें अंदर घुसूंगा और आपको दिखाऊंगा पूरी वीडियो में क्या है उसमें क्या नहीं है, आप भी देखना। यहाँ के स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये जो निशान है ना, ये तभी के हैं, इस पर कोई पेंटिंग वगैरह या फिर पेंट वगैरह रंग वगैरह कुछ नहीं हुआ जब से। दोस्तों ये 5000 साल पुराना ही किला है और ये जो निशान है ये तभी के हैं जब यहाँ पर आग लगाई गई थी। जो जैसे भी निशान है आप देख सकते हो, हल्के हल्के दिखाई दे रहे होंगे आपको भी, तभी के हैं दोस्तों ये। और मैं भी यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उन्हीं से ही मालूम किया है मैंने, और मैंने पहले ध्यान भी नहीं दिया था दोस्तों, और फिर बाद में जब उन्होंने बताया फिर मैंने ध्यान दिया। ये निशान तो है ना किसी चीज़ के, लेकिन ये पता नहीं किस चीज़ के हैं, लेकिन बताया जाता है कि उसी टाइम के हैं। दोस्तों कहा जाता है कि ये है लाखसा ग्रह में जो है लाखा मंडप जो बनाया गया था उसकी रसोई है ये। और देखो दोस्तों ईंटें देखो आप, उसी टाइम की ईंटें हैं, अब ऐसी ईंट दिखाई नहीं देती। और अब सीमेंट तो इसमें लगा हुआ है, लेकिन पता नहीं ये कौन से वाला सीमेंट है। आप देख सकते हो सीमेंट तो है, लेकिन ये चूना चूना वगैरह कह सकते हैं इसे, आज का सीमेंट तो ये है नहीं, ये तभी उसी टाइम का सीमेंट है। दोस्तों आप देख सकते हो, देखो अब बड़ी अच्छी कारीगरी थी उस टाइम भी, जो आज भी मुझे नहीं लगता हो कहीं। दोस्तों एक बात और बताऊं मैं आपसे, आप देख सकते हो दीवारें देखो आप, कितनी चौड़ाई में दीवारें हैं। ऐसी दीवारें तो या मुझे हस्तनापुर में दिखाई दी या फिर आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। ये जो पत्थर है ना, ये बैठने की लिए जैसे हम चेयर यूज करते हैं, इसी तरीके से ये पत्थरों का यूज करते थे बैठने के लिए। दोस्तों हमारे सामने है द्रौपदी का कमरा। कहा जाता है कि ये द्रौपदी का कमरा था कभी 5000 साल पूर्व। और दोस्तों अभी तक भी यहाँ पे अवशेष हैं, आप आइए और देखिए। और ये जो छोटी छोटी ईंटें, नीचे से मलबा और बर्तन वगैरह, और पुरातत्व विभाग के जो आदमी यहाँ पे खुदाई करते हैं, देखो ये यहाँ पे कर रखी है खुदाई, और वो यहाँ से कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं। और जो भी पता चलता है ये महाभारत कालीन ही है ऐसा कहा जाता है। और दोस्तों आप सामने देख सकते हो ये हमारे देश की पुरानी धरोहर है, और सामने देखो आप महल का चबूतरा। दोस्तों अब मैं लेके चलता हूँ आपको जिस सुरंग से पांडवों ने निकल के अपनी जान बचाई थी, और ये रास्ता है वहाँ का, और कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको वो भी बताऊँगा क्या लिखा है। दोस्तों बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वर्णावत से की गई है, यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है दोस्तों। और यहाँ जो है गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊँचा टीला है जहाँ की अभी हम खड़े हुए हैं, और ये 30 या 35 एकड़ भूमि पर फैला हुआ जंगल है दोस्तों, जिसे लाक्षा ग्रह का अवशेष समझा जाता है। तो इस टीले के नीचे 2 सुरंग स्थित हैं। इसी लाक्षा ग्रह से कौरवों ने पांडवों को एक पड्यंत्र के तहत जलाकर मारने का असफल प्रयास किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड में निकलने हेतु इन सुरंगों का उपयोग किया था दोस्तों, जो कि कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि ये जो हिंडन नदी है इसके पास सुरंग निकली है, कोई कहता है कि हस्तिनापुर निकली है। देखते हैं दोस्तों अभी जाएंगे, अभी तो बंद है शायद, ज़्यादा खुली नहीं है, बहुत दिन की बात होगी, पता नहीं 5000 वर्ष पूर्व की बात होगी दोस्तों। वर्तमान में यहाँ पर संस्कृत महाविद्यालय भी है जो कि गुरुकुल के नाम से जाना जाता है, और बच्चे हमारे साथ हैं और संस्कृत महाविद्यालय में ही पढ़ते हैं।
दोस्तों हमें अभी यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा, कम से कम 200 मीटर नीचे, जहाँ की वो दो सुरंग हैं आमने सामने हैं, और अभी थोड़ा उनका पक्का करवा के निर्माण भी करा रखा है जिससे कि वो ख़त्म ना, विलुप्त ना हो सके। चलते हैं दोस्तों, दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये देखिए हम सुरंग के पास पहुँच चुके हैं, सामने देख सकते हो आप सुरंग है, ये पहले नंबर की सुरंग है दोस्तों। इसके सामने दूसरी है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए सामने आप, और इसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो सकती है दोस्तों, और इसमें सांप वगैरह कुछ भी मिल सकता है अंदर। फिर भी देखते हैं हम थोड़ा अंदर जाके इसमें मिलता क्या है। दोस्तों ये वो सुरंग है जो पांडवों ने लाक्षा ग्रह के नीचे खुफिया तरीके से इन दो सुरंगों का निर्माण कराया था। ये सुरंग 3 से 4 किलोमीटर लंबी है। सुरंग में बहुत तीखे मोड़ हैं अंदर, जैसे जैसे सुरंग में घुसते हैं आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता दोस्तों। मैं थोड़ा अंदर जाके अभी दिखाऊंगा आपको, आप देख सकेंगे तब। और दोस्तों सुरंग इस इलाके से होते हुए हिंडन नदी तक पहुंच जाती है। दोस्तों यहाँ के जो स्थानीय निवासी, जो यहाँ के जानकार हैं, वो बताते हैं कि ये सुरंग जो है पांडवों ने अपनी जान बचाने के लिए बनाई थी, खुफिया तरीके से बनाई। इस सुरंग के रास्ते पांडव आग में जलने से बच गए थे दोस्तों। और अब मैं अंदर चला गया हूँ इसमें, देखते हैं अंदर क्या है। और दोस्तों आप सामने देख सकते हो कच्ची कच्ची मिट्टी है ऊपर भी, और तीखे मोड़ हैं दोस्तों। अंधेरा इतना ज़्यादा है कि मैं अंदर कुछ देख नहीं सकता, और आप ये देख सकते हो। अब ये आगे जाके बहुत ज़्यादा खतरनाक मोड़ है दोस्तों। दोस्तों इसमें ये खतरा है कि इसमें सांप वगैरह कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी जिनावर इसमें हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना अंधेरा होता है, और जो है ऑक्सीजन लेवल तो यहाँ डाउन है ही, और हम जो है ना यहाँ उठ नहीं सकते, केवल बैठ के ही चला जा सकता है इसमें। और दोस्तों यहाँ पे तो बिल्कुल अंधेरा है, साफ साफ अंधेरा। और देखो मैं दो मोड़ मुड़ चुका हूँ, हर 10 मीटर चलने के बाद या 5 मीटर चलने के बाद मोड़ है दोस्तों इसमें। और ये सामने आप देख सकते हो कितना घना अंधेरा है, ऊपर जो है तरेड़ भी आ रखी है दोस्तों। ये ऊपर से बैठ भी सकती है और खिसक भी सकती है, यहाँ पे जो है रिस्क है बहुत तकड़े वाला, अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। और फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ अंदर जाके, और ये आप सामने देख सकते हो इतने अंदर कोई नहीं आता दोस्तों जितने अंदर मैं आ गया। और ये देखो आप सामने बिल्कुल अंधेरा है, और एक मोड़ और आ गया है सामने, और देखो कितनी अच्छी डिजाइन से सुरंग का निर्माण कर रखा है दोस्तों। मोड़ तो हल्की हल्की दूरी पर मोड़ है दोस्तों। और चलो फिर भी मैं आपको अंदर से दिखा रहा हूँ। और दोस्तों ऐसी वीडियो जो ना शेयर ज़रूर करो, क्योंकि जिससे कि सभी देख सके मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो सामने जो आपको दिखाई दे रही है हिंडन नदी और कृष्णा नदी जो है, यहाँ पे जो संगम है इसके, जो कृष्णा नदी और हिंडन नदी के संगम पर ये लाक्षा ग्रह का टीला है दोस्तों। और आपको जो ना मैंने सुरंग में भी दिखाया, सुरंग दूसरे वाली जो है वो बंद है, उसमें अंदर कुछ नहीं है दोस्तों, एक है। और इसमें मैं आज तक जो ना पार नहीं गया दोस्तों, और ना ही जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैंने 4-5 मोड़ मुड़े, और फिर मैं आपको जितना हो सका वो दिखाया मैंने वीडियो में। और दोस्तों ऐसी वीडियो जो ना शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो दोस्तों, और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूं। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूं दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।